सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको होली स्टैश का वीडियो देखना है, होली स्टैश जो होली अभी आने वाली है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड कमेंट में भी छोड़ दूंगा, क्योंकि हमारे सेकंड चैनल पे होली स्टैश का वीडियो मैंने डाला है। सो वो भी आप वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। उत्तरायण खत्म हो गई है, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, बहुत दिन पहले डाला था उत्तरायण का व्लॉग, काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एंड गाइज आज हम लोग कुछ अलग करने वाले, देखो मैं क्या लाया आपके लिए। ओके गाइज ये देखो, ये बेसिकली होता है फानस यानी कि स्काई लेंटर। ये होता क्या, इससे हम लोग जो है उड़ाते हैं उत्तरायण के दिन, बट यार आजकल जो है ये बैन हो गए, क्योंकि यार इससे बहुत आग वाग लग जाती है, ठीक है ना। इससे बेसिकली आग लग जाती है, क्योंकि ये जो उड़ के जाता है इसके साथ में कॉइल यहाँ पे होगी, इसमें नहीं है तो उसमें तो होगी, यहाँ पे कॉइल आती है इसकी जो कि जलती रहती है, नीचे कोई फॉरेस्ट में चली जाती है कहीं पर आग लग जाती है, इसलिए ये गुजरात में बैन हो चुके हैं। एंड ये रे यहाँ पे इसकी कॉइल है, ठीक है ना। सो इसे हम आज उड़ाएंगे एंड बांध देंगे रस्सी से, ताकि ऊपर नहीं जा पाए, पर मजे हम पूरे लेंगे एंड देखेंगे कितनी देर तक ये जलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे हैं जो कि हमको गिफ्ट किए हैं हमारे फ्रेंड ने, क्योंकि उसको भी आगे से गिफ्ट आए थे, ठीक है ना। यहाँ पे 10 पीस है एक, एंड इसकी रेट जो है भाई 20 रुपए, 30 रुपए आपके वहाँ पे अलग अलग रहेगी, 25 रुपए अलग अलग रहता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कैसे कैसे इसे उड़ाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको ऐसे होल्ड करके रखना रहता है। सो अभी उड़ाते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं ये एंड कितनी देर तक जलते हैं। सो देखते हैं इसके सिस्टम क्या क्या है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हमको यहाँ पे ये मिलता है फानस, एंड यहाँ पे इसमें कॉइल लगानी रहती है बेसिकली, ये आप देख सकते हो बीच में यहाँ पे आपको होल भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें फिक्स करनी होती है एंड फिर ये उड़ता है। सो देखते हैं कैसे ये उड़ता है। ओके गाइज ये वैक्स है, इसको हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ये बेसिकली एक टाइप का वैक्स टाइप कुछ है, दिखाऊंगा आपको। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे होल दिया है बीच में, एंड अब इसको हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। अब इसको हम यहाँ पे डालते हैं और उसको वापस से खोल देते हैं, कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे फिक्स करना रहता है ये। ओके गाइस अभी छत पे आ गए, लगाते हैं इसमें आग एंड इसको वहां पे बांधेंगे, देखेंगे कैसे होता है, तो देखते हैं। ओके गाइस आप देख सकते हो एक यहाँ पे डोरा, फिर एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे और एक उस कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे डोरे बांध दिए हैं एंड ताकि यार ऊपर उड़े ना और आग वाग का कोई डर ना, और अपन छत छत पे उड़ाएंगे, देखते हैं कैसा होता है। एंड नीचे इसको एक डोरे से पूरा ज्वाइंट कर देंगे, देखते हैं। ओके गाइस इन चारों को हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, इसके ऊपर हम लोग ये पत्थर रखेंगे एंड देखते हैं भाई आगे क्या होता है, ठीक है ना। ये चारों रस्सी से ज्वाइंट करके ऊपर पत्थर रख दिया हमने। ओके रस्सी हमारी सेट होगी, अब जलाते हैं भाई इस फानस को एंड देखते हैं कैसे। ओके जलाते हैं हमारी इस कॉइल को। ओके ये जल रही है धीरे धीरे, देख सकते हो ये मोम की यानी वैक्स की बनी हुई है एंड ये जल रही है, पिघल भी रही है। ओके ओके वो जल चुकी है, जल चुकी है। अब हमको इसको खोलना है ऊपर से नीचे से, इसका ये कॉइल जल रहा है एंड हवा बहुत तेज है। देखते हैं भाई कैसा होता है हमारा ये, आप देख सकते हो नीचे सारे इसका पिघल पिघल के ये गिर रहा है, दैट्स वाई ये हार्मफुल होता है, देखो इसीलिए हमको ये उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम और फिर ये उड़ेगा। हमने तो वैसे बांध रखा है चारों तरफ से एंड ये फूल चुका है, आप देखो किस तरह से। ओके अब देख सकते हो कुछ इस तरह से फूल चुका है। वेट 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 एंड चारों रस्सियां बांध रखी है। ओके छोड़ देते हैं इसे,
चारों रस्सी हमारी यहाँ पे, एंड ये हमारा बलून, थोड़ा इसको सेंटर में रखते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ दो छोड़ दो, उधर चला गया बलून हमारा, इस बलून को इधर इधर से, हाँ सेंटर में लाते हैं, एंड हमारे यहाँ पे पैर स्लिप हो गया, एंड अब छोड़ते धीरे से। ओ हमारा बलून ही जल चुका है, ओके ओके नीचे नीचे नीचे, इसे हम रद्द करते हैं अभी, बिकॉज ये हमारा बलून फेल हो चुका है। यही होता है जब ये कहीं पे लैंड हो जाता है, गिर जाता है, एंड हमारे नुकसान करता है सब चीज़ों को, ठीक है ना। सो इसे हम अभी बुझा देते हैं, ओके हमने इसे बुझा दिया है चप्पल की मदद से, एंड आप देख सकते हो भाई कैसा हो क्या है। ओके गाइस आपने देखा यार, सॉरी वो उड़ नहीं पाया, बट यार ऐसे हमको उड़ाने भी नहीं चाहिए, एंड इससे हमको सीख भी मिलती है भाई, यहाँ पे जला और कहीं किसी के घर पे जाके, कहीं फॉरेस्ट में जाके जले फिर कितना नुकसान हो। एंड अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप और भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, मिल जाएंगे आपको स्काई लैंटर्न के वीडियोज, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड मिलते हैं किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय माता दी, टाटा।